बात सुनो, ये ना हीर रांझा का दौर नहीं है। लहसुन प्याज की बदबू समाई हुई है तुम्हारे वजूद में। अगर तुम्हारी शादी टूट गई ना, सारी मुश्किल तुम्हारे लिए होगी। आपके दिल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उसी लहसुन प्याज की बदबू के ताने ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। वो कुछ भी कर ले, वो मुझे पसंद नहीं आ सकती। इसी लहसुन प्याज की बदबू की वजह से तुम्हारे सारे मसाइल हल होंगे। साथ भाई इतनी सक्सेसफुल शेफ बन गई हो तुमने, ये अपने बिजनेस का नाम लहसुन प्याज क्यों रखा? अपने बारे में ये लफ्ज इतनी बार सुन चुकी थी। माफी मांगो, मैं चाह रहा हूँ लहसुन प्याज की ओनरशिप कानूनी तौर पर तुम मेरे नाम करो। कितनी गिरहें बाकी हैं, मैं देखिए लहसुन प्याज आज शब 8 बजे